हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल वाई फाई श्री में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक ही बहुत ही बड़ी खबर लेकर हम आपके समक्ष आ चुके हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। जी हां, यूपी ट्रिपल SC की 26 जुलाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज की सबसे बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। आयोग ने अब तक का अपने इतिहास का, जब से इसका गठन हुआ है, सबसे बड़ा फैसला लिया है और बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। आयोग का डंडा बिल्कुल चल रहा है मित्रों। अब आयोग ने ऐसे लोगों को परीक्षा देने से मना कर दिया है। कितने दिनों के लिए डिबार घोषित किया है, हम पूरी खबर विस्तार से लेंगे, लेकिन उससे पहले चाहेंगे चैनल पर जो हमारे मित्रगण पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बगल में लगे बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर छोटी बड़ी सूचना जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संबंध में हो, सबसे पहले आपको राहुल वाई फास्ट्री चैनल के माध्यम से जरूर प्राप्त हो सके। तो जी हाँ मित्रों, आयोग ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन ले लिया है। आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों को और उनसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर डंडा चलाया है जो परीक्षाओं में गड़बड़ी करते हैं। जी हाँ मित्रों, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। चलिए बढ़कर हम ले लेते हैं पूरी खबर विस्तार से, देखते हैं वो कौन कौन से लोग हैं, कितने लोग हैं जिन्हें अब आयोग परीक्षा देने से मना कर दिया गया है। चलिए लेते हैं पूरी खबर, हम लोग अब विस्तार से देखते हैं। ये खबर आप देख सकते हैं, हमें दैनिक जागरण लखनऊ से प्राप्त हो रही है कि UP SSC ने 129 अभ्यर्थी 1 से 3 वर्ष तक परीक्षा से डिबार घोषित किए गए। जी हाँ, बड़ी खबर है, देख सकते हैं आप, दैनिक जागरण लखनऊ से हमें खबर प्राप्त हो रही है कि UP SSC ने 129 अभ्यर्थी 1 से 3 वर्ष तक डिबार। अब आप खबर लेते हैं पूरी विस्तार से। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UP SSC ने वर्ष 2018 में आयोजित लिखित परीक्षाओं में अनुचित तरीके अपनाने वाले 129 अभ्यर्थियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इन अभ्यर्थियों को 1 से 3 वर्ष के लिए आयोग की आगामी परीक्षाओं से डिबार करते हुए अन्य सभी चयन बोर्डों व आयोगों को इस संबंध में सूचित कर दिया है। यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अन्य बोर्डों और आयोगों को सूचित कर दिया है कि ऐसे लोगों को परीक्षा देने से रोका जाए, मना किया जाए, उन्हें डिबार घोषित किया जाए। तो यानी आने वाले दिनों में वो और भी आयोग उनके ऊपर डंडा चला सकता है। आप देख सकते हैं अन्य, यहाँ पे आप देख सकते हैं अन्य आयोग भी इन्हें निपटने की परीक्षाओं में अवसर ना देने का निर्णय कर सकते हैं। जो बड़ी खबर देख सकते हैं मित्रों, आयोग के परीक्षा नियंत्रक विपिन कुमार मिश्र ने बताया कि आयोग ने वर्ष 2018 में सम्मिलित व्यायाम प्रशिक्षक एवं क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी व प्रदेशी विकास दल अधिकारी, विधान भवन रक्षक, वन रक्षक, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी व समाज कल्याण पर्यवेक्षक समान चयन प्रतियोगी परीक्षाएं कराई थी, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं। इन परीक्षाओं में 129 अभ्यर्थियों के खिलाफ अनुचित तरीके अपनाने को लेकर कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। इनमें अभ्यर्थी के स्थान पर दूसरे व्यक्ति के परीक्षा देने, मुन्ना भाई ओ या मार प्रश्न पत्र ले जाने, प्रवेश पत्र बदल कर परीक्षा देने जैसे मामले शामिल है। यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का एक बड़ा डंडा चला गया है उन अभ्यर्थियों के ऊपर जो अनुचित तरीके से परीक्षाओं में गड़बड़ियाँ करते थे। UP SSC का एक बहुत ही बड़ा डिसीजन ले लिया गया है कि 129 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें 1 से 3 वर्ष तक अपनी परीक्षाओं से डिबार घोषित किया है। तो ये पूरी खबर थी मित्रों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संबंध में। हमें और भी कोई खबर प्राप्त होती है UP SSC के संबंध में, आप तक हम लेकर के आ जाएंगे राहुल वाई फाइस्ट्री चैनल के माध्यम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।